अस्सलाम वालेकुम, बंदगी रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। और आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पानी पूरी। इसके लिए हमने देखो ये सामान लिया, ये सूजी लिया हमने एक कटोरी, और इससे हम पानी बनाएंगे। जो मसाले लिए हमने, ये पुदीना हमारे पास सूखा, और ये कसूरी मेथी, और ये आमचूर है, और ये है सौंठ पाउडर। अब पानी भी बनाएंगे, दिखाएंगे, और ये अभी बनाते हैं। अब हम पानी बनाने के लिए मसाला बनाते हैं। एक चम्मच ये हमने साबुत धनिया लिया है, और ये 2 चम्मच ये जीरा है, और 1 चम्मच ये काली मिर्च होंगी 15-20, और ये 4-5-10-8-10 लौंग ली हैं। बस ये हम इसे सेक लेते हैं। अब इसे हम हल्का हल्का सेक लेते हैं इस तरह से। अब हमने ये मसालों को सेक लिया, अब ये मिक्सी जार लिया, इसमें डालते हैं हम। अब इसमें हम मसाला बनाएंगे अपने पानी में डालने के लिए। इसमें डाल देते हैं, अब ये कसूरी मेथी है, ये हमने साबुत ऐसी ले ली सूखी, ये डाल देते हैं थोड़ी सी है। और ये हमारे पास पुदीना है, ये सुखा लिए, सुखा लेते हैं हम इस, तो ये भी डाल देते हैं। अगर आपके पास हरा है तो वो चटनी बना के डाल सकते हैं, हम इसी मसाले में डाल लेते हैं। और ये आमचूर पाउडर 1 चम्मच, ये भी डालेंगे। ये सौंठ पाउडर है, इसको सारों को मिक्स करके हम एक ही बार में पीस लेते हैं पूरा मसाला इस तरह से। अब हम पीस के दिखाते हैं। काला नमक भी डालेंगे इसमें, ये हम 2 चम्मच डाला है, ये छोटा चम्मच है, 2 चम्मच काला नमक डाला है। अब देखो ये इस तरह से हमने पीस लिया, देखो कितना अच्छा हो गया मसाला हमारा। इसे हम पानी में डालेंगे जब हम पानी बनाएंगे अभी। अब हम पानी के लिए चटनी भी बनाएंगे, हरे धनिया और हरी मिर्च की। देखो कितनी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी से। ऐसे मसाला बना के रख लो, जब मर्जी आए तो आप गोलगप्पा बना के और ये पानी बना के खा सकते हैं। अब ये हमने इसमें धनिया डाल दिया, हरा धनिया ले लिया हमने 1 मुट्ठी। अब ये 4 हरी मिर्च लेते हैं। अगर आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो अदरक भी डाल सकते हैं चटनी में। हम अदरक नहीं डाल रहे क्योंकि हमने सौंठ पाउडर मसाले में पीस लिया है। अब इसे हम बनाते हैं। इसमें ये नमक भी डालेंगे हम 1/2 चम्मच। अभी हमने बोल ले लिया, इसमें हम पहले पानी बनाते हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे, हम अपने गोलगप्पों के लिए, पानी पूरे के लिए पानी बना लेते हैं इस तरह से। बस इतना पानी लिया है हमने। अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। ये तो वही है जो हमने अभी बनाया था मसाला, ये डाल देते हैं। ये हम बना के रख लेते हैं। अब हमने इसे 1 चम्मच ही डाला, थोड़ा सा ज़्यादा, बस 1 चम्मच इतना ही डालेंगे। और जो चटनी बनाई है हमने, ये भी डालेंगे हम। ये हम 4 चम्मच डालेंगे चटनी, पहले देखते हैं, उसके बाद कम लगेगा तो डालेंगे। अब इसमें ये 1 चम्मच नमक डालते हैं, थोड़ा 1 चम्मच से कम डाला है। अब इसे मिलाते हैं इस तरह से। अब इसमें हम मीठी चटनी डालेंगे, ये हम खट्टा मीठा पानी बना रहे हैं, एक ही में काम चल जाएगा, हम दो तो नहीं बना रहे। इमली भी डाल सकते हैं, इमली का गूदा वो उसको बना के पल, हमने ये चटनी डाल दी है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखो अब ये हो गया खट्टा मीठा पानी। अब ये हमारी चटनी जो थी गुड़ की थी, अगर हम गुड़ डालते तो इससे हमने चटनी डाल दी, इमली भी नहीं डालनी पड़ी हमें, गुड़ भी नहीं डालने पड़ा, हमारी गुड़ की चटनी थी इसलिए हमने ये डाल दी। बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया मसाला। अब हम इसमें बूंदी डालते हैं। अब पहले हमारा पानी तैयार हो गया, अब इसे हम रख देते हैं फ्रिज में। अब हम गोलगप्पे बनाएंगे, इसकी पूड़ी बनाएंगे, अभी दिखाएंगे। बस देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब जो पूड़ी के साथ जो मसाला जो बनाते हैं हम, आलू बनाते हैं ना आलू, और ये जो उसके अंदर भरने के लिए, तो हम ये आलू हमने उबाल लिए थे, इसके साथ हमने हरी मटर भी उबाल ली थी। अब इसको हम बनाते हैं, दिखाते हैं। देखो हम किस तरह से बनाएंगे इसको। आलू को हम तोड़ लेते हैं, मटर भी हमारी गल गई, देखो अच्छे से ये भी ऐसे तरीके से मिला लेते हैं इसमें। इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा ये।
आलू को थोड़ा बड़ा मोटा मोटा रखना है बस इस तरह से। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, इतना बड़ा रखना है बस। अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो थोड़ा सा ये भी मसाला डालेंगे हम, इससे बहुत बढ़िया लगेगा टेस्टी। ये डाल दिया, थोड़ा सा ये नमक डालते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च डालते हैं, बस इतनी डालेंगे। ये जीरा पाउडर डालते हैं, भुना हुआ, भुना पिसा पाउडर है भुना हुआ जीरे का। ये थोड़ी सी हम ये बूंदी भी डाल देते हैं इसमें। अब इसे मिक्स करते हैं इस तरह से, धनिया पत्ती भी डालते हैं थोड़ी सी इसमें, फिर अच्छा दिखेगा। थोड़ी सी हम ये हरी चटनी डालेंगे इसमें, हमने हरा धनिया डाल दिया है, अब ये चटनी डाल देते हैं। अब इस तरह से हम इसे मिक्स करके इसे अलग रखेंगे। बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी से। बस अब हम इसे अलग रखते हैं। अब बनाएंगे हम आटा अपना सूजी, उसे गूंदेंगे हम पूड़ी बनाने के लिए। अब हम अपनी पूड़ी के लिए सूजी गूंदेंगे, तो हमने ये कटोरी सूजी ली है, इसमें डाल देते हैं ये। और इसे गर्म पानी से ही गूंदना है, अभी दिखाते हैं। अभी हमने रिफाइंड लिया है, ये गर्म है, इसको हम डाल देते हैं। ये एक कटोरी है, ये होगा 50 ग्राम, ये सब डाल देते हैं हम इसमें। अब गर्म ही गर्म इसमें मिलाना है हमें, इस तरह से हाथ से मिलाना है। और बारीक वाली सूजी लेनी है, मोटी ना होनी चाहिए, अगर मोटी है तो मिक्सर में चला सकते हैं। इस तरह से हम पहले से मिक्स कर लेते हैं पूरा इस तरह से, खूब अच्छे से मिलाना है इसे। अब हमने इसे मिक्स कर लिया, देखो इस तरह से होता है, ऐसे अगर हम हाथ से करेंगे तो ऐसे लड्डू बन जाएगा। बस अब हो गया, इसमें हम पानी डालते हैं, पानी हमें इसमें गुनगुना डालना है, पानी भी गर्म है, ऐसे गीला रखना है इसको पहले। ये पानी जो सोख लेती है सूजी, ये बस सोचना ये गीला हो जाएगा, गीला नहीं होगा, एकदम सही रहेगा ये। बस इतना पानी डालेंगे हम इसमें, अभी ये सही हो जाएगा। इस तरह से हम इसे गूंद लेंगे, अब देखो ये इस तरह का हो गया, देखो हो गया, ये सूजी जो है फूल जाती है, ऐसा लग रहा था गीला हो गया, गीला नहीं हुआ। अब इसको क्या करना है, इस तरह से हमें पटकना है, इसे पटक पटक के इसको गूंदना है, इसको ऐसे। ऐसे हम मिलाएंगे इसको ऐसे, और इस तरह से गूंदना है इसको, ऐसे करना है 8-10 बार ऐसे करेंगे हम, फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा ये आटा। अभी इस तरह का हो गया, अब इसे हम पहले इसे ढक देते हैं अभी 2 मिनट, कभी बनाते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे लोई बनाएंगे इस तरह से, जितने बड़े रखने इस तरह से लंबी लंबी बनाएंगे हम इसे, इस तरह से ऐसे बना लेते हैं। अब बनाते जाएंगे हम, सेकते जाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे से बनानी है। अब ये इस तरह से हमने देखो ये लोई बनानी है, इस तरह छोटी छोटी बस। अब हम इन्हें बेलेंगे, अब बेलते जाएंगे और सेकते जाएंगे, अब दिखाते हैं। अभी कढ़ाई रख दी हमने, पहले ही इसमें तेल गर्म हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने ये बेलन लिया है चकला, अब इस पर इस तरह से हम हल्के हाथ से इसको बेलेंगे और इसमें डालते जाएंगे बस इस तरह से। अभी देखना कितना फूले, बहुत अच्छी पानी पूड़ी बनती है, आप भी इस तरीके से बनाना जैसे हमने बनाई है, देखो। बस हम इसमें इस तरह से डालते जाएंगे, एक बारी में बस बेलना है, ज़्यादा इसको बार बार नहीं बेलना है। देखो फूलेंगे ना इस तरह से, फूलनी है, और इसकी लंबी सेफ रहती है इसकी सूजी की,
गोलगप्पों की इस तरह से, एक तरफ से जब कलर आ जाएगा तब हम पलटेंगे इसे। अभी ऐसी तरह से हम रहने देते हैं। देखो देखो, हम दिखाते हैं पास से कितने अच्छे फूल हैं, देखो है ना। अब इसको हम पलट देते हैं, जिसमें कलर आता जाएगा तो हम इसे पलटते जाएंगे इस तरह से। वैसे तो जो खुद ही फूल के इतना अच्छे हो जाते हैं कि अपने आप ही पलट जाएंगे ये, अगर जिसको इस तरह से देखो पलट रहे हैं ये, इस तरह से हम इसे सेक लेते हैं। देखो कितने अच्छे फूल हैं, बहुत बढ़िया। देखो हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे, देखो बहुत करारे हैं और बहुत देखो फूले हुए हैं। एक देख दिखाएंगे, अभी ठंडा होने दे, दिखाते हैं हम कितने फूले हुए हैं। तो हमने दूसरे भी बना लिए, अब देखो हमने दूसरे भी बना लिए, अब इस तरह से हम बनाते हैं, अभी दिखाते हैं। अब देखो ये बन गए हमारे ये गोलगप्पे कितने अच्छे बने हैं। अब देखो हमारे ये गोलगप्पे कितने अच्छे बने हैं, बहुत बढ़िया बने, बहुत फूले फूले। अब इस तरह से हम इसे इस तरह से अभी दिखाते हैं। अब देखो इस तरह से हम इसमें ये पानी डालते हैं, ये पानी बहुत बढ़िया बना है हम इस तरह से, बहुत सॉफ्ट, बहुत बढ़िया बने हैं। देखो हमारे गोलगप्पे बहुत बढ़िया, आप भी हमारे तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाएं और खाएं। अब देखो इस तरह से हम इसे रखते हैं, इसमें पानी डालते हैं, देखो बहुत बढ़िया बने हैं, बहुत करारे, बहुत टेस्टी, पानी भी बहुत टेस्टी है। आप भी हमारे तरीके से बनाएं, देखो इस तरीके से, इस तरह से खाते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। आप भी हमारे तरीके से बनाएं और खाएं और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कमेंट में हमारे गोलगप्पे कैसे हमारे तरीके से बनाएँ। उनसे रेसिपी साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।